राइटर कहते हैं कि हर फिल्म की माँ होता है क्योंकि कहानी को वही जन्म देता है। और जो दोस्तों आज पहला नैलानी जी ने यहाँ पे आके ये साबित कर दिया कि जब कभी भी नए नए कलाकारों को हमारे साथ जो हमें आशीर्वाद देने आए हैं आज हम बहुत खुश हैं और मेरा बेटा भी उनको देख के आशीर्वाद लेके इस पिक्चर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह आप लोग के सामने बहुत जल्दी इसको लेके आएंगे। थैंक यू। चदा की कहानी है उस तरफ से मुंबई 3 मतलब बॉम्बे 3, अब मुंबई तो अब होगा, जब की कहानी है तो बॉम्बे ही था। बॉम्बे 3 एक मशहूर और जो है दिलचस्प और बिजनेसमैन और जहाँ से शुरुआत हुई अंडरवर्ल्ड की उसका नाम जो है बॉम्बे 3 है। और आई थिंक राइट नाम जो है टाइटल पिक्चर का, सबसे पहला टाइटल जो है एक होना चाहिए जो पिक्चर के ऊपर जाए और लोगों को समझने में जो है टाइम ना लगे। तो ये क्लियर कट है और क्लियर टाइटल है जो स्टोरी पे जाता है। और मुझे लगता है जिस हिसाब से ये पोस्टर अपना प्रोमोज भी दिखाया, जो शॉर्ट 30-40 सेकंड का जो है दिखाया, वो एकदम एक्यूरेट है और बहुत अच्छा है। ये तो शुरुआत है, ये तो फिल्म है नहीं, ये तो आपके सामने प्रेजेंट करने का एक तरीका है। लेकिन जब ये बनेगी और जिस तरह से जो है राइटर जो है अपनी कलम से इसको जो है सींचेगा और डायरेक्टर बैठी हैं यहाँ पे जिन्होंने अनुभव है इनको पास, और जो सबसे बड़ा अनुभव होता है डायरेक्टर के लिए कि जो कहानी वो सिलेक्ट करता है उस कहानी को जो है ना उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि सोच जो है ना उनकी होनी चाहिए, माहौल होना चाहिए। और जिस माहौल में ये रहती हैं और जिस माहौल को देखा है इन्होंने बचपन से, तो मुझे लगता है ये इनके लिए केक वॉक है जो एक अच्छी तरह से जो है फिल्म को प्रेजेंट करेगी और दुनिया के सामने लाएगी कि ऐसी भी चीज़ जो है जो आज तक लोगों ने नहीं दिखाई वो इन्होंने दिखा दी। सर, उसको देख के आपको आपका भी बचपन याद आया, क्या कुछ है? बचपन ये है कि जिस तरह से इसकी सोच है, इतनी एज में जो है इतना सोचना और फिल्म के बारे में सोचना, कैरेक्टर्स के बारे में सोचना, कहानी के बारे में सोचना, कहानी के बारे में सोचना और उसको देख के मतलब जो माहौल इसने देखा है, माहौल को वो गलत तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ में भी ले सकता था, लेकिन उस मोहल्ले में रहने के बावजूद इसने उसको कहानी में एक आर्ट के हिसाब से जो है सामने लाने की कोशिश की, जो सराहनीय है बहुत। क्योंकि एक बच्चा जिस तरह से मिट्टी का होता है, जिस तरह से उससे सिखाओ, जिस हिसाब से मोल्ड करो, उस हिसाब से जो है ना जिस तरह से मिट्टी का घड़ा बनता है, जो शेप लाना हो ला जाओ, इस घड़े में जो है वो बात है। इस मिट्टी उसने इनकी परिवार ने जो है ना उसको ऐसा सींचा है जो उसकी सोच जो है ना राइट ट्रैक पे जा रही है और राइट ट्रैक पे काम कर रही है। तो इस बच्चे को जो है ना पूरी क्रेडिट ये है कि जिस तरह से माँ बाप की परवरिश इस बच्चे को मिली है उस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। मुझे तो भविष्य जो है जो काम करना जानता है या काम के बारे में सोचता है उसका भविष्य ही भविष्य होता है। भविष्य इंसान खुद बनाता है, बाकी परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नसीब और सोच दोनों एक साथ चलती है और दोनों का साथ मिल जाए तो आदमी अपना नसीब खुद बना सकता है अगर मेहनत करे तो। स्टोरी आप जो बना रहे हैं, सरकार ने काफी पाबंदी लगा दी है, अगर कुछ रिकॉर्ड या आते तो उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे? किस चीज की रुकावट डाली? बॉम्बे नंबर 3 क्राइम पे स्टोरी चल रही है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई सेंसरशिप में कोई रूल है। टाइटल पे जो है बॉम्बे 3 जो है 95 तक जो है बॉम्बे टाइटल था, महाराष्ट्र की नोटिफिकेशन है बॉम्बे को मुंबई करना,
सेंट्रल की नहीं है, आज मद्रास को चेन्नई कर दिया, लेकिन मद्रास आज भी लोग बोलते हैं। अगर पुरानी फिल्म बनाएंगे तो मद्रास कैफे आई थी, बॉम्बे में आई थी बॉम्बे वेलवेट, तो मैं ही चेयरमैन था उस वक्त, मैंने ही मतलब बॉम्बे वेलवेट पास की थी। तो ऐसे बॉम्बे में कोई ऐसी टाइटल की कोई वो है नहीं, क्योंकि ये 95 के पहले की स्टोरी है। सामाजिक संदेश है ये। शाहबाज जी से पूछना चाहूँगा कि ये आपके जीवन के ऊपर कहानी है, तो आपको क्यों आया कि मेरे ऊपर ये फिल्म बनाई जाए? मुझे नहीं आया, मुझे बेटे ने मुझे मोटिवेट किया कि डैड अब आप ये पिक्चर बनाएंगे तो इसका टाइटल क्या होना चाहिए। पहले तो हम बहुत टाइटल के अंदर कस्मस किए, लास्ट में हमने टाइटल को चॉइस किया कि मुंबई नंबर 3 रखें, और ये 80% रियल स्टोरी है जो मेरे लाइफ से गुजरी है पूरी। इसके अंदर कोई वो नहीं है, एक एक जो स्टेप है वो रियल है। तो अंडरवर्ल्ड से क्या नाता आपको, जो इसमें अंडरवर्ल्ड आपने लिखा है कि तो पिक्चर देखने में बता देंगे ना, अभी बता के पूरी पिक्चर थोड़ी दिखा दें। उस एरिया में रह रहे हैं हम भी भाई बने, तो भाई लोग के आजू बाजू में खड़े रहते थे, तो उनका सब हाव भाव हम लोग देखते थे, क्या होता था, कौन नेता आ रहा है, क्या बात कर रहे नेताओं से, नेता लोग को कैसा झड़का भगाते थे, और वोटिंग कैसा ही थी, वो भी ब्लड पेपर की जो वोटिंग थी वो हमने दिखाएंगे इसके अंदर, जो कि मेरे सामने गुजरी और उसके अंदर मैं कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट का हिस्सा दिया हूँ मैं। आपको डर नहीं लग रहा कि इस तरह की फिल्म बना के आपको प्रेशर आएगा ऊपर से? काय का डरना, जहाँ से अंडरवर्ल्ड में जन्म लिया वहाँ से हम ही जन्म लिए, उनसे भी क्या डरना है। इस विषय पर फिल्म बनाने का कैसे समझ में जब आपको बताया तो कैसे आपको बनाना चाहिए, अच्छी बात है क्या? पहले इसने गली गाइस एक प्रोग्राम बनाया रियलिटी शो, तो इसकी हिम्मत देख के ये पिक्चर में अगर आना चाह बोला तो मैंने यस। आप और भी स्टार इसमें रखने वाले हैं? अभी स्टार कास्ट को मैं ओपन नहीं करूँगा, स्टार कास्ट इसके लिए नहीं ओपन करूँगा क्योंकि सेंसिटिव पिक्चर है, अगर किसी स्टार को मैं धमकी आए तो मेरा आधी पिक्चर छोड़ के भाग गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो इसके लिए स्टार कास्ट मेरा कोई ओपन नहीं होगा, डायरेक्ट इसका ट्रेलर रिलीज होगा, उसके अंदर सब स्टार कास्ट आपको नजर आ जाएंगे। स्टार होंगे? स्टार होंगे। प्रिया जी, कब से इस फिल्म की शूटिंग आप स्टार्ट कर रही हैं? हमारे दर्शकों को बताइए। शूटिंग तो स्टार्ट है इसकी ना, अगले साल रिलीज भी रहेगी, इसी टाइम पे दिवाली के टाइम पे अगले साल रिलीज रहेगी, और सर का आशीर्वाद रहा तो उस रिलीजिंग में सर खुद खड़े रहेंगे। जिस तरह से ये अंडरवर्ल्ड की कहानी आप उठा रही हैं, तो आप ये मुंबई सर, ये एक मैसेज है, ये मैसेज है लोगों को, ये मैसेज है कि वहाँ रहने वाले लोग सिर्फ खराब नहीं रहते। आज हमारे एरिया का वो हाल है कि हम किसी को पिज्ज़ा डिलीवर करने बोले ना, अगर हमारे बेटे को पिज्ज़ा खाने का तो पिज्जे के लिए डिलीवर करते हैं तो इसे लिख के आता है कि ये ब्लैक लिस्ट एरिया, नो द एरिया इज ब्लैक लिस्टेड, यहाँ पे मतलब लोग अच्छे अच्छे रहते हैं। आप वहाँ खड़े रहकर आप पिज्ज़ा मंगाओ नहीं ला के देंगे, हमारे एरिया में ऐसा कुछ है नहीं, हमारे एरिया एकदम क्लियर है। वो जो 90 के अंदर जो चलता था वो चलता था, अब नहीं है, अब तो वहाँ पे क्राइम नाम का जीरो नाम का क्राइम है उधर। जैसे सर ने अभी बताया, आपके रोल के बारे में बताइए, किस तरह का आपका रोल है? मैं एक ऐसा चाइल्ड इसमें रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे ना एक छोटे बच्चे का रोल प्ले कर रहा हूँ जिसमें मैं क्रिकेट खेलूंगा और मेरे डैड के पास्ट को लेके चलूंगा। कैसे मन में आया कि कैसे आपने कॉन्सेप्ट बताया कि एक फिल्म बननी चाहिए, क्या क्या दिक्कतें आपको फेस हुई थी? मैं एक दिन रात में सो रहा था तो डैडी बाजू में थे, तो मैं पूछा अब आपका पास्ट कैसा था, तो बानापुरी स्टोरी बताया। फिर मैं 2-3 दिन सोचा, फिर मैंने अब्बा को कॉन्सेप्ट दिया, और एटलीस्ट मैंने 24 आवर्स की रिसर्च की थी, पूरा एनालाइज़ किया, पूरी स्टोरी को लेके देखा मैंने, पूरा एनालाइज़ किया, फिर मैंने इसे बाहर अब्बा को बताया, तो अब्बा ने बोले हाँ अच्छा आइडिया, चलो वहाँ से। प्रिया जी, आप डायरेक्ट करने कितना मुश्किल या चैलेंजिंग है ये जी? कितना मुश्किल है या चैलेंजिंग है? देखिए सर, एक सर के आशीर्वाद के और सर के हाथ के नीचे हम काम कर रहे हैं, इसलिए चैलेंज तो हम कोई भी एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंज हम किसी के लेते नहीं हैं, चैलेंज देते हैं सिर्फ। और डायरेक्शन हमने बहुत किया है, पर अब जो डायरेक्ट करेंगे उसको हम सही डायरेक्टर मानते हैं कि अब हम डायरेक्टर बनेंगे। कहाँ कहाँ पे लोकेशन आपके? जी, मुंबई 3 का लोकेशन रहेगा, तीनों गलियों का, चिंदी गली, चोर बाजार, मटन स्ट्रीट। जी, गाने भी हैं, गाने रिलीज बन चुके हैं, हो चुके हैं। टीजर देख के लग रहा है ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी होगा, ऐसा है कुछ?
ये तो आगे देखेंगे आप लोग तो समझ में आए। मैं हरीश पटेल से सवाल पूछूंगा कि आपने किस तरह से कहानी को मोल्ड किया, कैसे बनाया, उन्होंने आपको कहानी सुनाई? देखो जनरली लोग सोचते हैं कि मुंबई 3 इस जगह की कहानी है, कुछ उसमें क्राइम होगा, कुछ उसमें कंट्रोवर्सी होगी, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा, लेकिन कहानी को कहने का एक अंदाज होता है, उसका एक बैकड्रॉप होता है। ये जो पिक्चर हम बना रहे हैं, तो शम्स ने अपने पिताजी को बताया और प्रिया जी ने और शहबाज भाई ने और शम्स ने जो मुझे कहानी सुनाई, वो कहानी इटसेल्फ इतनी इंटरेस्टिंग थी, उसके अंदर इतना रियल ड्रामा था, सारा कुछ रियल स्टोरी थी कि अपनी लाइफ की जर्नी थी कि एक ऐसी जगह में, एक ऐसी बदनाम गली में, जहाँ का नाम लो तो वहाँ पे सारे गैंगस्टर या क्राइम का ही लोग सबसे पहले उसको जोड़ते हैं, उस जगह पर किसी एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी और उसके संघर्ष में उसको आई तकलीफ की कहानी, उस तकलीफ में वो कैसे जीता है, कैसे झेलता है, उससे कैसे बाहर निकलता है और कैसे अपने परिवार को लेके चलता है, क्योंकि संघर्ष इतना आसान नहीं होता किसी ऐसी जगह में जहाँ की जगह जो ऑलरेडी बदनाम हो जाए। आपके पीछे टैग चल रहा है कि आप मुंबई 3 में रहते हैं, मुंबई 3 में रहते हैं मतलब आपके पीछे पीछे वो चल रहा है परछाई की तरह, कि वो पूरा का पूरा जो बदनाम गली का बदनामी है वो आपके पीछे चल रही सरनेंटी जैसे, और उससे आपको लड़ना है, लड़के अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, अपने परिवार को संभालना है, अपने बच्चे को इस्टेब्लिश करना है, और कैसे एक बच्चा अपने परिवार के साथ अपने पिता की देखभाल में कैसे आगे बढ़ता है, कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करता है, ये स्टोरी उसके ऊपर। ये कहानी जो है एक कीचड़ में पला हुआ बनता हुआ कमल का फूल है, जो निचोड़ यही है कि कीचड़ से कैसे बाहर निकल के कमल के फूल की तरह खिलता है। बीजेपी का मत समझिएगा लेकिन ये जो है इस मोर ये है कि हालात जो है ना इंसान को कितना मजबूर करती है और वो मजबूरी से कैसे बाहर निकलता है। इसके अंदर ये एक मुस्लिम लड़का मुंबई नंबर 3 का एक हिंदू लड़की से जाके MP के अंदर मतलब कट्टर संगठन हिंदू लड़की से शादी करके इधर आज तक के उनकी जर्नी रियल बताने का नहीं बताने का। देखिए मैं अभी आप मुझसे कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, अभी थोड़े टाइम पहले कहा गया था कि बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं करनी है, तो मैं कहानी तो ऑलमोस्ट हम सबको समझ आ गई, बहुत क्लियर है। आप सब इसे कंट्रोवर्सी की तरफ से नेगेटिव पार्ट से देख रहे हो और मैं इसे पॉजिटिव पार्ट से देख रही हूँ कि एक बच्चा कैसे उस चीज़ से स्ट्रगल करके आगे बढ़ा है अपनी ज़िंदगी में, उसने कैसे चीज़ों को अचीव किया है। और हम हमेशा रोते रहते हैं ना हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। बहुत सारे लोग इस लाइफ में ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। तो ये उसका एक छोटा सा मतलब 3 ऑब्वियस है, किसी की ज़िंदगी को आप 3 घंटे में नहीं दिखा सकते हो, तो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इवन अपने माँ बाप की ज़िंदगी को भी उस 3 घंटों के फ्रेम में उतारा है। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो हम इसका नेगेटिव ना देख के यहाँ से प्लस पॉइंट लें कि कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और कैसे अपने चीज़ों से मतलब फाइट करके हम आगे जा सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या आप बीती की कहानी है। कंट्रोवर्सी तब होती है जब एक मौला जिसकी जो है इर्द गिर्द जो है ना कहीं भी आपको जो है ना पॉजिटिवनेस नहीं मिलती, हर इंसान जो दूसरा भी है उसको नेगेटिव देखता है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि पिज़्ज़ा, आज भी पिज़्ज़ा वाला लेके पिज़्ज़ा नहीं आ रहा, वो ये बीते हुए ज़माने हो गए, 40 साल हो गए, लेकिन आज भी पिज़्ज़ा वाले को डर लगता है कि इस मोहल्ले में नहीं जाना। तो अगर आप जो है ना जो दो लोग देखते हैं फिल्मों से कोई सीखता तो नहीं है, जो माहौल होता है उसको फिल्म पर्दे पे लाया जाता है, एक आईने की तरह जो है ना सामने लाना है। अब उसमें किसको कितना समझ में आता है वो ऑडियंस जो है अगर ये मजबूत होती है पकड़ने में कि आपकी जो सच्चाई जो है आपके दिमाग में बैठती है तो ये लोगों को डर नहीं लगेगा, वरना जो डर है वो कायम ही रहेगा। तो इस तरह से जो है फिल्में आईने की तरह जो ना सामने लोगों के पेश होती है और इस तरह से सच्चाई दिखाना अपने तरीके से अपनी कहानी डाल के
ये मतलब कंट्रोवर्सी का विषय है ही नहीं। कंट्रोवर्सी होती तब है जब आप दूसरे को नेगेटिव दिखा के अपने को पॉजिटिव दिखाओ। हमको लोगों ने नेगेटिव किया, अब कैसे पॉजिटिव होंगे वो कहानी है। वोरा जी क्या कहेंगे आप इस फिल्म के बारे में? लीगल एडवाइजर है बहुत सारे पहलुओं में लोगों ने अपना बयान बताया, बयान लिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म के माध्यम से समाज को एक संदेश पहुँचने वाला है और ऐसा तगड़ा संदेश पहुँचेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये ऐसा भी होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि आप क्राफर्ड मार्केट से लेकर के सात रस्ता, ये पूरा मुस्लिम इलाका है, ये गारंटी के साथ कहता हूँ मैं कि अगर रात में 2 बजे कोई लेडी अकेली क्राफर्ड मार्केट से लेकर के सात रस्ते तक जैकब सर्कल तक भी जाएगी, किसी की मजाल नहीं है कि उसको छुए या उसको छेड़े। ये संदेश जा रहा है कि ये इतना बदनाम इलाका नहीं है कि जितने भी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। इट इज़ द सेफेस्ट एरिया ऑफ मुंबई और मलबार हिल कफ परेड ब्लू विले वाले स्कीम के लोगों ने करोड़ों का घोटाला किया है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और यहाँ पर लोगों को लोन देने के लिए सरकार जो है ना कैसे कैसे रवैया अपनाती है वो आप इस फिल्म के माध्यम से देख सकते हैं। मैंने इससे पहले गली गाइस, हम हैं गली गाइस के ऊपर काम किया था, मेरे हिसाब से नाजमा आंटी और वसीम अंकल के प्यार के से बहुत ज़्यादा आगे आता हूँ। मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मुंबई थ्री में कितनी तैयारी कर रहे हैं? मैंने मुंबई थ्री में बहुत तैयारी किया हूँ, मैं बहुत एनालाइज किया हूँ, 24 घंटे मैंने बैठ के एनालाइज किया हूँ। सोया कब? टाइम निकाल के सो लिया बस बीच में। 24 घंटा हो गया इसमें, ऐसे कुछ सीन आएंगे जो बड़े खतरनाक होंगे तो आप डरोगे तो कैसे? जिस जगह पे मैं पैदा हुआ और वहीं जगह पे अंडरवर्ल्ड ने जन्म लिया, मेरे को वो जगह से डरने की जरूरत नहीं है। और हिंदुस्तान के संविधान में कहाँ लिखा है सच बोलना और सच दिखाना झूठ है, जुर्म है। मैं सच सामने पेश करूँगा, जब हिंदुस्तान के लोगों को करने में शर्म नहीं तो मेरे को दिखाने में मैं क्यों शर्माऊँ? अनारी इज बैक जो है, जिस तरह से मैं अपने पिछले जैसे कहा कि मेरे बहुत सारे न्यू कमर्स को लेके मैंने फिल्में बनाई है, एक और न्यू कमर को लेके अपना नवाब खान और मिशिका चौरसिया मिथुन चक्रवर्ती के साथ अनीता राज के साथ फिल्म बनाई है जो आप पर्दे पे 24 नवंबर को आएगी। इट्स अ रोमांटिक इमोशनल और जो उसके अंदर एक भाईचारा इंसानियत के जो मैसेज है उसके अंदर कि आज जिस तरह से माहौल जो है देश में ख़राब चल रहा है और किस तरह से एक पोजीशन जो है जानबूझ के किस तरह से हिंदू मुस्लिम किए जा रहे हैं, तो ये पिक्चर में मेरा मिठुन चक्रवर्ती जो है एक पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जो मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जिसके अंदर मतलब एक बाप का रोल अदा कर रहा है जो एक हिंदू लड़के का को अपनी बेटे की तरह मानता है और उस बेटे को जो है ना जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरतें पूरी करता है, जो उसको भी नहीं मालूम पड़ती है कि मेरा बाप जो है पढ़ रहा है। ये रिलेशनशिप और एक हिंदू मुस्लिम की जो दोस्ती, एक प्यार, एक मोहब्बत जो आज हमें दिखने को है बहुत लेकिन दिखाते कम, मतलब उसको भड़काते ज़्यादा, तो ये एक तरीके से मैंने मतलब जो है इस फिल्म को बनाया। 25 साल पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी बाई बाई, जो इसी महीने में 14 नवंबर को आज उसका जो 14 नवंबर को 25 साल पूरे हुए, वो भी ब्रदरहुड पे पिक्चर थी, दोनों हीरो एक हिंदू था एक मुस्लिम था और दोनों का जो है रिलेशनशिप जो है ना एक भाईचारे का था, जिस तरह से मतलब एक कौमी सॉन्ग भी था, आँखें जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है, ये देश हमारा है ये देश हमारा है, उस तरह से 25 साल के बाद मेरी वही उसी महीने में मतलब एक हफ्ते बाद मतलब हिंदू मुस्लिम के भाईचारे और इंसानियत के नाते के एक फिल्म रिलीज़ होने जा रही है जो आज ज़रूरत है, जो एक डर पैदा किया गया है मुस्लिम कौम में कि भैया आपको जो है ना इस तरह से जो है ना हम हिंदू राज्य बनाएंगे, वो कम से कम एक रिलेशन देख के उन चीज़ों से हटके पड़े हटके एक फिल्म में आईना बन के लोग देखें और उसको अपना प्यार दे और इसमें लगे कि भी आज भी फिल्म इंडस्ट्री जो है
ऐसी फिल्में नहीं बनाती जिसमें सिर्फ जो है मुस्लिम कैरेक्टर को नेगेटिव दिखा दो। मोस्टली क्या हो रहा कि फिल्म के ज़रिए हर मुस्लिम को जो है टेररिस्ट माना जाता है, जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये हर मुस्लिम जो है ना टेररिस्ट है, और शाहरुख खान ने इस पर पिक्चर भी बनाई थी मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। तो मतलब जो है एक इमेज जो है ना, एक जो प्रोजेक्ट किया गया उस इमेज को तोड़ने के लिए ये फिल्म की जो कहानी है वो एक मैं अनारी इज़ बैक, जो एक सीधे साधे ऑनेस्ट आदमी की कहानी है जिसको साथ दे रहा है मिथुन चक्रवर्ती एज अ मुस्लिम अबू जान। थैंक यू। जो भ्रूण हत्या करता है और उसके बच्चों से लोग शादी नहीं करते, वो आपको मिल जाएगा।